Hello students, in today's video I am going to discuss with you how to write any lab activity. आप देख सकते हो जो first lab activity आपकी book में दी गई है, that is testing the presence of starch. इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? Firstly आपको aim of experiment लिखना होगा, aim of activity भी लिख सकते हो. आप देख सकते हो यहाँ aim लिखा हुआ है, aim means name of activity. To test the presence of starch in the leaf. Next आपको थ्योरी लिखनी है. थ्योरी क्या है? स्टार्च इज अ पॉलीमर. स्टार्च एक पॉलीमर है एंड इट इज मेड बाय प्लांट टू स्टोर एनर्जी. और ये कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए. ओके, सिमिलरली प्लांट यूज दिस एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर फूड. प्लांट्स फूड को प्रिपेयर करने के लिए इस एनर्जी का यूज करते हैं. ओके, एंड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट. आयोडीन टेस्ट से हम किसी भी लीव में स्टार्च प्रेजेंट है उसको टेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आपको एपरेटस लिखना है. एपरेटस मीन्स इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जिन जिन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है उसे हम एपरेटस कहते हैं. ओके, आप देख सकते हो इस एक्टिविटी के लिए हमें जो एपरेटस की ज़रूरत है, दैट इज़ पॉटेड प्लांट, बंसन बर्नर, ट्राईपॉड स्टैंड, वायर गॉज, वाटर, बीकर्स, टेस्ट ट्यूब, टोंग्स, एल्कोहल, वॉच ग्लास, ड्रॉपर, आयोडीन. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट स्टेप्स, मीन्स व्हाट स्टेप्स यू हैव टू डू व्हाइल परफॉर्मिंग दिस लैब एक्टिविटी. फाइव स्टेप्स दिए गए हैं, आपको इन फाइव स्टेप्स को लिखना है. आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन एंड देन इन्फेरेंस एंड लास्ट जो टॉपिक होगा इस एक्टिविटी के लिए, दैट इज प्रिकॉशंस. आप कौन सी प्रिकॉशन को लेते हो जब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो? ओके, इस एक्टिविटी को लैब मैनुअल में लिखना है. आप देख सकते हो ये लैब मैनुअल है साइंस के, इसमें आपको लिखना है. एंड इस लैब मैनुअल में बैक साइड में आपको इस टाइप के पेजेस मिलेंगे जिसमें आपको इस एक्टिविटी के नेम को लिखना है एंड देन जैसा मैंने बताया उस तरीके से आपको नोट करना है. साथ ही साथ आपको इस डायग्राम को भी ड्रॉ करना है जो कि आप इस लैब मैनुअल के बिल्कुल प्लेन साइड पे ड्रॉ करोगे. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. एंड होमवर्क में आपको ये जो क्रॉसवर्ड है इसको सॉल्व करना है. इस क्रॉसवर्ड को आप अपनी साइंस की नोटबुक में लिखोगे. ओके, थैंक यू.